दोस्तों आखिर मार्वल में कितने तरीके के गोस्ट राइडर एग्जिस्ट करते हैं, आइए जानते हैं। नंबर वन, गोस्ट राइडर हेलफायर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉर्मल गोस्ट राइडर के नाम से जानते हैं, जिसे कई सारे कैरेक्टर्स ने अचीव किया है, जैसे कि जॉनी ब्लेज, रूबी राइस और कार्टर स्लेड। और अगर इस कैरेक्टर की सबसे खास एबिलिटी की बात करें तो वो है पेन एंड स्टेयर। नंबर टू, गोस्ट राइडर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को हमने पहली बार 2011 के गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस मूवी में देखा था। और अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे खास एबिलिटी की बात करें तो वो है रियलाइव एबिलिटी, जिसके मदद से अगर गोस्ट राइडर चाहे तो किसी भी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है। नंबर थ्री, ग्रीन गोस्ट राइडर। दोस्तों इस वाले गोस्ट राइडर को मार्वल के सबसे यूनिक गोस्ट राइडर कैरेक्टर्स में गिना जाता है, क्योंकि इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को अब तक सिर्फ एक ही इंसान ने अचीव किया है, जिसका नाम डिप्यूटी कोबोल्स्की होता है, जो कि स्कारलेट विच की तरह केओस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों अगर तीनों गोस्ट राइडर के बीच अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।